बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ब्लूबेरी मफ़न बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, इसको बना लेते हैं। 2 कप मैदा, इनको छान लेते हैं। सॉल्ट 1/2 टीस्पून से बहुत कम यूज़ करना है। शुगर 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। इनको मिक्स करें। मेल्टेड बटर 6 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून शुगर। इसको मिक्स करें। शुगर और बटर को 1 मिनट मिक्स किया। 1 टेबलस्पून सावर क्रीम, आपके पास सावर क्रीम नहीं है तो योगर्ट 1/2 टेबलस्पून यूज़ कर लें। इसको मिक्स करें। 3 एग, इनको मिक्स करें। इससे मिक्स करना है इनको। वार्म मिल्क 1/2 कप, वनीला एसन 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इनको मिक्स करें। ये जो मैदा है इसमें थोड़ा डाल के मिक्स करना है। टू टेबल स्पून मैदा बचा लिया, इसके बीच में ब्लूबेरी डालेंगे। मैदे में ब्लूबेरी डालें तो ब्लूबेरी जो है कप के नीचे नहीं बैठेगी। इसमें डाल लेते हैं ब्लूबेरी। इनको मिक्स करें। इसमें ब्लूबेरी डाल लेते हैं। इनको मिक्स करें। बेकिंग ट्रे ले लिए, इसमें कप पेपर लगा लिए। आपके पास कप पेपर नहीं है तो आप जो हैं नॉन स्टिक कुकिंग स्प्रे बेकिंग ट्रे में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून डाल लेते हैं। इसमें डाल के इसको ऐसे करें। प्री हीट ओवन है 375, 30 मिनट इनको बेक कर लेते हैं। आप अपने ओवन के हिसाब से अपना टाइम सेट कर लें। बहुत मज़े के सॉफ्ट मफ़न रेडी हुए। आपने इसको जितना गोल्डन कलर करना है अपनी मर्ज़ी से कर लें। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने। ये देखें, फुल बेक हैं फ्रंट और बैक। इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने, ये बहुत मज़े के बने। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ब्लूबेरी मफ़न बन के रेडी हो गए। आप अपनी शुगर ब्लूबेरी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लें। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।